बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और ऐसे ही आबाद रखे। आज आप देख सकते हैं मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ एक अचार गोश्त की, जो हम बहुत ही क्विक एंड ईजी सा बनाएंगे। इसमें जो है मैं रेडीमेड पैकेट ही, बाज़ार का पैकेट ही यूज़ करूँगी। यहाँ पे मेरे पास 750 ग्राम यानी 3 पाव मेरे पास चिकन है, 1 बड़ा प्याज है, 1 टमाटर है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। ये जो बड़ी वाली मिर्च होती है वो इतनी स्पाइसी नहीं होती है, तो आप जितनी चाहे ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिया है सिर्फ 3 हरी मिर्चें ली हैं। और यहाँ पे 1 कप जो मेरे पास दही है, 1/2 कप मेरे पास ऑयल है, और 1 टेबल स्पून जो है मेरे पास वाइट विनेगर है। तो अब ये जो रेसिपी है पैकेट के हिसाब से नहीं बनाएंगे, दिखाना मैं यही चाह रही हूँ। पैकेट में जो है प्याज यूज़ नहीं होता, उसमें जो दही और टमाटर से ही ग्रेवी बनाई जाती है, लेकिन हम उसको प्याज उसमें शामिल करेंगे और हम बस इसका मसाला लेंगे, बनाएंगे अपने तरीके से। चलें अब हम जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है ये मसाला ले लेंगे, जो हम हरी मिर्चों में भरेंगे। हम अचार गोश्त मसाला ले रहे हैं हरी मिर्चों में भरने के लिए, वो हम अपनी हरी मिर्चों की तादाद के मुताबिक के जितनी हमारे पास हैं उसके मुताबिक हम जो है मसाला लेंगे। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है, और यहाँ पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है सिरका शाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मसाला मिक्स हो गया। अब हम मिर्चें हैं इसको कट कर लेंगे और इसमें भरने के लिए तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप ग्लव्स पहन लें अगर आपके हाथों पे मिर्चें लगती हैं। या एक टिप है कि जिस वक्त हम हरी मिर्चें का यूज़ कर रहे हो, यानी हरी मिर्चें हम किसी भी अपनी डिश में इस्तेमाल कर रहे हो या डाल रहे हो, तो हम हल्का सा ऑयल लगा लें, मस्टर्ड ऑयल जिसे सरसों का तेल कहते हैं, तो ये मिर्चें जो हैं वो बहुत कम लगेंगी, यानी मिर्चें नहीं लगेंगी। कोशिश करें कि आप ग्लव्स पहन लें, अगर आप ग्लव्स नहीं पहन सकते तो मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल जो है आप हाथों पे लगा लें। कुछ काम ऐसे हैं जो आप देख सकते हैं ग्लव्स के बगैर इजी हो जाते हैं। हमारी मिर्चें जो हैं हमने उनको भर के रख लिया है। मुझे भी हाथ पे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, इसलिए मैंने ग्लव्स पहना था और एक हाथ में मैंने ऑयलिंग की थी। दही जो है इसमें डाल लेंगे हम, जो है बाकी मसाले बनाने तक हम अपनी चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। ये पैकेट है, ये जो पूरा पैकेट है 1 किलो चिकन के लिए है, हम इसमें जो है थोड़ा सा बचा लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है दही में मिक्स हो गया, हम अब यहाँ पे जो है चिकन को शामिल कर देंगे। इसको जल्दी करने के लिए आपको ये करना होगा कि जो हमारी चिकन है हम इसको जो है हल्का सा कट लगा लेंगे, तो सारी चिकन को आप ऐसे थोड़ा सा कट लगा लें। आपको जल्दी बनाना है और क्विक रेसिपी है, तो मैंने इसको जो है आपको यही टिप बताना था कि मैंने इसको यहाँ पे कट लगा ली है। आप सारी चिकन को जो है अपनी को कट लगा लेंगे, फिर इसमें मैरिनेट करेंगे, तो आप 5 मिनट के लिए भी रखेंगे तो चिकन आपको पता है कि जल्दी मैरिनेट हो जाता है, हमारी जो चिकन है वो जल्दी से रेडी हो जाएगी। अब मैं सब कट लगाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सब चिकन को जो है मैंने कट लगा लिया है, और यहाँ पे जो इस तरह की बोटियाँ हैं उनको आप देख सकते हैं मैंने प्रिक किया है, जैसे कांटों से आप छुरी से या कांटे से इसको कर सकते हैं, बस हल्का सा इसको पिंच करना है। ये देखें आप देख सकते हैं इनमें कट बन गया, क्योंकि ये सॉफ्ट बोटी है, अगर हम इसको कट लगाएंगे तो ये टूट जाएगी। तो हमने जो है अपनी जो डिश है उसकी शक्ल भी ख़राब नहीं करनी है। आप देख सकते हैं जिनको लग सकते हैं कट उनको मैंने लगाए हैं, और जिनको हम सिर्फ प्रिक कर सकते हैं उनको मैंने जो है सकते हैं उनको मैंने जो प्रिक ही किया है यहाँ पर। अब हम अपनी जो सारा चिकन है इसमें डाल देंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह हाथ से मिक्स करके रख दूँगी। ये मुझे बाकी मसाले तैयार करते तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, और ये 5 से 10 मिनट के लिए ये मैरिनेट हो जाएगा। आए अब हम जो है अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे पे रख दी है। हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 1/2 कप ऑयल है वो डाल देंगे जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल प्याज को मैंने ग्राइंड करके पेस्ट कर लिया, और इसको अब मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे हम जो है प्याज को अच्छी तरह पानी जो इसका खुश कर लेंगे, बहुत ही जल्दी से हमने बनाना है। इसके साथ ही हम जो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी शामिल कर देंगे, ताकि ये तीनों इकट्ठे एक टाइम में हो जाएँ और हमारा टाइम बच जाए।
जो हम क्विक सी रेसिपी बना रहे हैं वो क्विक ही बने। देख सकते हैं कि इसको एक मिनट हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मिनट में ये जो है लहसुन और प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो गया। अब इसमें से ऑयल निकलना शुरू हुआ है और अभी मैं इसी स्टेज पे इसमें चिकन शामिल कर दूँ। इसमें और यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना और बस हमने इसको दो मिनट के लिए कवर कर देना है और फिर उसके बाद हम इसका जो है बाकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे, पूरे दो मिनट हुए। आप देख सकते हैं कि मैंने क्यों रखा था दो मिनट के लिए कवर होके, एक तो ये था कि इसका पानी जो है दही का वो आ जाएगा बाहर, और दूसरा जो है चिकन अच्छी तरह मसाले में एक से दो मिनट इस तरह हो जाएगी। तो अब हम इसको जो है अच्छी तरह भून लेंगे। जब मैंने इसको कवर करके रखा था तो मैंने इसको आँच जो है बिल्कुल स्लो कर दी थी ताकि ये दही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब जो है मैंने आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी है और ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और हम इसको अच्छी तरह भून लें। मसाले में से ऑयल भी बाहर आ गया। अभी हम जो अपने टमाटर हैं इसमें वो शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसको भी मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आंच जो है मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है कि ये जल्दी से इसका पानी जो है ड्राई हो जाए, टमाटरों का भी और जो दही है उसका भी। जब डाला था चिकन और दही लहसुन अदरक और प्याज में, उसमें कवर करने का मकसद ही ये था कि वो जल्दी थोड़ा सा गल जाएगा स्टार्ट में ही, तो हमारी जो चिकन है उसको हम दोबारा भूनेंगे और गलाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन वैसे भी बहुत जल्दी गल जाता है। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कवर भी हटा दिया और हम इसको अच्छा सा जल्दी से भून लेंगे। अच्छे तरीके से भुन चुका है हमारा चिकन जो है। टोटल हमारी जो मैरिनेट किया उसके अलावा जो ये रेसिपी है सी है 8 से 9 मिनट में जो हमारी रेसिपी है चिकन अचार गोश्त वो रेडी है। 10 मिनट जो हमने पहले इसको मैरिनेट किया, 10 मिनट भी नहीं, 5 से 6 मिनट था जब तक हमने अपना जो मसाले वगैरह तैयार किए और हमने फ्राई किया, तब तक चिकन जो है 6 से 7 मिनट जो है मैरिनेट हुआ और तकरीबन 8 से 9 मिनट हमारा जो है कुकिंग टाइम है। तो टोटल ये इतनी क्विक रेसिपी है 10 से 15 मिनट, क्योंकि हर डिश को बनने में 10 मिनट तो लगते ही हैं, और अगर ग्रेवी है, सालन है, चिकन है, मीट है तो उसको 10 से 12 मिनट लगते हैं। 12 to 15 मिनट में जो है हमारी 12 to 15 में हमारी जो है रेसिपी तैयार हो जाती है। तो ये बहुत ही मज़े की है, इसलिए ग्रेवी बनी है कि ज़रूरी नहीं कि हम इसको बिल्कुल रोस्ट सा ही बनाएं। ग्रेवी वाला बनाएंगे तो ये चावलों के साथ भी खाया जा सकता है, नान के साथ भी, खमीरी रोटी के साथ भी, और घर की रोटी के साथ भी, और तंदूर की रोटी के साथ भी। तो जब ये ग्रेवी हो तो ज़रा अच्छे तरीके से खाया जाता है, तो इसलिए हमारे घर में जो है ग्रेवी को ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको अपने तरीके से ये रेसिपी बना के दिखाई है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये भी आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगी। अब जो है ये बिल्कुल डन है, आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी भी। यहाँ पे मैं इसको अब बिल्कुल मीडियम स्लो करके 1 मिनट के लिए दम दूंगी, और ये मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाल दी, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो कर दूंगी, और मैं इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि ये दम में रेडी हो जाए। अब ये हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं खुद से कि ये कितना अच्छा लग रहा है, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। हमेशा की तरह खुशबू के लिए तो आपको ये ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो अब हम इसको जो है ये रेडी हो गया है, अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारी जो चिकन अचार गोश्त है वो रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ हमेशा की तरह पास से, देखें आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही मज़े का है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनी है, और जितना अच्छा ये लग रहा है उतना ही अच्छा इसका टेस्ट है। बहुत क्विक सी रेसिपी है और सिंपल रेसिपी है जिसको बनाया मैंने अपने तरीके से, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगा। जब आपको पसंद आएगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि मैं आपके साथ क्या क्या शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए बेल का आइकन दबाना ज़रूरी है। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, दुआओं में सबको याद रखे, दुआओं में मुझे भी याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।